भाजपा मुख्यालय में बैठक में शामिल होने पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव से एमकेएन न्यूज संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने बात की और आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय बैठक चल रही है, संगठन की बैठक है। संगठन मंत्री और कई वरिष्ठ नेता इस समय हमारे साथ खेल युवा कल्याण मंत्री हैं गिरीश यादव जी। गिरीश जी, बैठक चल रही है स्थायी निकाय चुनाव से बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहें? पार्टी ने बैठक बुलाई है, उसमें जो है अभी संगठन के लोग बैठेंगे, फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कि नगर निगम के चुनाव के दृष्टि से क्या क्या करना है और फिर इसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में लोग जाएंगे, काम करेंगे। उपचुनाव में अभी खासी जीत नहीं हो पाई, 3 सीटों पे उम्मीद थी, 1 सीट ही भाजपा के पाले में आई, तो कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा भी होगी। देखो, जो भी कमियां होंगी उसकी बात को पार्टी के वरिष्ठ लोग, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उस पर विचार करेगा, आगे कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने के लिए, कोई हार जीत से मतलब नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी को हार जीत से मतलब नहीं और हमेशा पार्टी तैयार रहती है। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़।